जेह्ड़ा अस्तीफा खन्ना होया पूरी दुनिया च इस अस्तीफा गी मसले गी लेइयै हाईलाइट होई चुका और कुछ एलिमेंट जेह्ड़े साढ़े इसी हिंदू वर्सिस मुस्लिम बनाइयै रंग दिता जा रहा है और कुड़ी कन्नै रेप होया और उसका मर्डर होया इहदे पर कोई गलबात नहीं की जा रही अज्ज समाज के अंदर और हिंदू मुस्लिम एकता की तोड़िए उसी कम्युनलाइज रंग किया जा रहा दिता जा रहा और कठुआ पूरे दुनिया और पूरे विश्व के बदनाम किया गया और अस ये चाहने कि अस्तीफा की इंसाफ मिलना चाहिए जड़िया कि अज फेसबुक पर व्हाट्सएप पर जड़िया दंगे दियां पोस्टा पाई जा रही संप्रदायिक कम्युनल रंग दिता जा रहा पोस्ट फेसबुक के उपर ये पर सरकार ने सख्ती कार्रवाई करनी चाहिए है और इनकी फौरन बंद करना चाहिए ताकि इदियां घटनाएं जड़िया लोगों के अंदर जी गलत तरीके कन्ने इस्तेमाल हो रही है उसके कन्ने लोगों के अंदर हिंदू वर्सिस मुसलमान का जड़ा ज़्यादा कम्युनल रंग हो रहा है तो ये पर सख्ती कार्रवाई होनी चाहिए है। सीबीआई इंक्वायरी कोई नहीं केस कोर्ट के बीच है हूँ अगर जज के जज की जजमेंट लगेगी कि क्राइम ब्रांच ने अगर छेड़छाड़ की है कोई रोपे कन्ने तो वह अगर सीबीआई छड़िए एन आई राह जिस भी देना चाहिए कोर्ट दे सकता है सानू कोई आपत्ति नहीं होगी। डिमांड है कि बिना देरी तो फास्ट ट्रैक जरिए सुनवाई होनी चाहिए ताकि दोषी अगर जो दोषी है उसी भी सजा होनी चाहिए जो नहीं दोषी है उसे छड़ाया जाए और इसी ज़्यादा देर तक निपटाया 3 महीने के अंदर अंदर इस केस जल्दी किया जाए और हिंदू वर्सिस मुसलमान के उपर सख्ती कन्ने जे लोग इस कमल रंग दिया उन सख्ती पर कार्रवाई होनी चाहिए प्रतिबंध लगना चाहिए और सोशल मीडिया जरिए संप्रदायिक फैलाने जी कार्रवाई की जा रही है साड़िया ये डिमांडा ने और सख्ती कन्ने जरिए इन्होंने लोगों की रोका जाए उनके प्रतिबंध ला जाए और बंद किया जाए इन्हें लोगों जी बयानबाजी की जाए और अंकुर शर्मा जी ऐसे बयान देंगे औरतें की हीन भावना कहना दिखता है क्या इंदे एडवोकेट होने बाद इंदे को इन्नी सोच है कि उसी सितंबरी की आखते हैं कि वह औरत है और औरत ने कहा वह क्या सच दस सकती है और DSP वह कख नहीं दस सकती है औरत है वह किन्नी सच्चाई दस सकती है उसी कुछ नहीं पता है बेवकूफ होंगी औरत ऐसी शर्मा ऐसी इस घटना की निंदा करने और इंदी सोच पर जी सोच लेइए चला देना बिल्कुल शेम और अस्तीफा मसले की इं दिखते जाते हैं और आखिया जाता कि अस्तीफा जो मरी या रेप किया मर्डर किया मारी इतने गई है उसके बाद अगर जिंदा रही तो और आतंकवादी बनती है ऐसी सोच और शेम होनी है शर्म होनी चाहिए इन्हें लोगों की। मेरा नाम धीरज है। आज हम लोग यहाँ पर कठुआ के जो जनाना पार्क है भगत सिंह के पार्क के नाम से भी मशहूर है यहाँ पर हम लोग इकट्ठे हुए थे और यहाँ पर हम नौजवानों ने मिलकर आसिफा को श्रद्धांजलि दी है मोमबत्तियाँ जलाकर और अपनी बातचीत भी रखी है इस मामले में। तो इस समय एक बहुत ही गंभीर स्थिति बनी हुई है जिस तरीके से समाज को इस मामले को आगे रख के हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बांटा जा रहा है उसके खिलाफ एक मैसेज देते हुए हमारा आज ये जो कैंडल लाइट जलाकर जो मतलब श्रद्धांजलि थी आसिफा को उसका कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था तो उसमें बहुत सारे नौजवानों ने यहाँ पर भाग लिया है। बहुत सारे लोग आए थे, एडवोकेट सुशील गुप्ता जी आए थे, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो प्रधान हैं कठुआ के श्री चरणजीत जी वो भी आए थे, इस तरीके से और भी लोग आए थे, श्री बलबीर जी आए थे। तो सबने अपनी बातचीत रखी है और सबने एक आवाज़ में एक सुर में पुरजोश ये आवाज़ उठाई है कि जिस तरीके से इस मामले में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है उसको देखते हुए जो भी ताकतें ये कर रही हैं उन पर एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सोशल मीडिया के अंदर भी इस मामले पर जो हिंदू मुस्लिम का प्रचार जो चलाया जा रहा है उस उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा, जहाँ तक इस मामले की जांच का मसला है, ये मसला अभी कोर्ट के अधीन है तो इसमें हमारा तो यही मानना है कि कोर्ट में इसकी सारी प्रक्रिया चल रही है तो कोर्ट को अगर ये लगता है कि क्राइम ब्रांच ने कुछ फ्लॉज किए हैं तो कोर्ट उसके बाद अगर CBI को ये इन्वेस्टिगेशन देना चाहती है करने के लिए ये मामला देना चाहती है तो वो दे दे, हम कोर्ट के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिजेक्ट कर दी है जो प्ली है CBI को देने की तो हमारा स्टैंड कोर्ट के साथ है, न्यायालय के साथ हम खड़े हैं, न्याय तो वहीं से मिलेगा। तो जिस तरह से बातें अब देख रही हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आ रही हैं इस केस को लेकर कि पहले कहा जा रहा था कि रेप के बाद मर्डर हुआ है, अब कह रहे हैं कि सिर्फ मर्डर ही हुआ है, तो इस तरह की स्पेकुलेशंस भी चल रही हैं, तो इसको किस तरह से देखा जा सकता है, मतलब आम बंदा जो है वो इस तरह से देख रहा है इसको?
आम इंसान कैसे देख रहा है ये तो आम इंसान से बात करके ही आप बता सकते हैं, लेकिन जो गंदी राजनीति इस मामले में की जा रही है उस पर सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। अपनी राजनीति को चमकाने के लिए हमारे जम्मू खित्ते के अंदर जो सांप्रदायिक सौहार्द आज तक रहा है, जो सांप्रदायिक प्रेम रहा है, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला है, इस चीज़ को ख़त्म करने की जो कोशिश की जा रही है वो बहुत गलत है। किसी का कभी कोई बयान आ जाता है, कभी कोई किसी तरीके की रैली कर रहा है, और किस तरीके से इस पूरे मामले को, मतलब आसिफा का नाम आते ही एक तस्वीर मुस्लिम की दिमाग में बना देना, जिस तरीके से मैं जैसे फेसबुक पर एक दिन देख रहा था तो उसमें किसी ने कमेंट किया हुआ था कि अच्छा हुआ आसिफा मर गई, नहीं तो बड़ी होकर आतंकवादी ही बनती, ये क्या है। कोई कमेंट कर रहा है कि जब इतनी हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ तब आप कहाँ थे, तब नहीं बोले, आसिफा पर ही इतना हो हल्ला क्यों, ये क्या है। जब हम एक बच्ची के बलात्कारियों को सज़ा दिलाने की बात कर रहे हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, जब उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए, इसका मतलब है कि हम पूरे भारतवर्ष की बच्चियों के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक समुदाय की, आसिफा कोई एक समुदाय की बच्ची नहीं है, वो पूरे हमारे समाज की, सारे समाज की बच्ची है, वो मेरी बहन है, वो आपकी बहन है, पूरे समाज की वो किसी की बेटी। जिस तरह से जिस मंदिर में उसको रखने की बात कही जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि उसमें कोई भी तहखाना नहीं है और उसको इम्पॉसिबल है वहाँ पे रखना, क्योंकि वो एक मंदिर है और मंदिर में रोज काफ़ी लोगों का आना जाना है, तो इस तरह से भी एक क्वेश्चन मार्क बन रहा है आम लोगों के बीच में। देखिए, वो मंदिर में रोज लोगों का आना जाना है या नहीं है, ये बातें तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तब पुख्ता तौर पर सामने आएंगी। नहीं, अगर आम बंदा इस तरह से सोचे कि मंदिर में तो लोगों का आना जाना लगा ही रहता है ना, तो किस तरह से बच्ची को किस तरह से रखा जा सकता है। हाँ, अगर इस तरीके से हुआ है तो हमारे जो ऑनरेबल हाई कोर्ट हैं वो इस चीज़ पर कॉग्निजेंस लेंगे। अगर उनको ये सामने पता लगता है कि इस मंदिर में अगर कोई नहीं आ रहा है, ये देवी स्थान है, यहाँ पर अगर कभी कभी लोग आते हैं इस तरीके से, वहाँ पर हो सकता है, तो वो प्रोसीड करेंगे आगे इस केस को। अगर उनको लगता है कि नहीं, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट की गई हैं, तो वो इसको सीबीआई को हैंड ओवर कर देंगे। सिंपल सी बात है। इस तरीके से हम या आप कौन होते हैं कि ये बोलने वाले कि ये दोषी है और ये दोषी नहीं है, ये कैसे हो सकता है। कुछ आरोपियों को कुछ तथ्यों के आधार पर पकड़ा गया है, हो सकता है कई सारे आरोपी अभी बचे हों, तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी, कोर्ट अपनी कार्रवाई आगे करेगा, तो उसमें हमें पता चल जाएगा। क्या हमें अपने न्यायालयों पर, न्यायाधीशों पर यकीन नहीं रहा है, या हम उनसे भी बाहर हो गए? तो इट्स अप टू ऑन जुडिशरी, ये उसकी बात है। लेकिन एक मैसेज मैं ज़रूर देना चाहता हूँ, जो भी हाल ही में एक वकील हैं अंकुर के नाम से, उनकी जो अभी सामने आई है कि उन्होंने जो हमारे जम्मू की ही एक महिला कर्मी हैं, पुलिस कर्मी, और उन पर ये बोला है कि जो टिप्पणी करते हुए जिस तरीके से बोला है कि वो एक लड़की है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, तो वो किस तरह, वो थोड़ी ना इंटेलिजेंट हो सकती हैं, इस तरीके से टिप्पणी की गई है उन पर, ये क्या है। आप आज के इतने मॉडर्न समाज में, इतने आधुनिक समाज में भी जब हमारी सरकारें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रही हैं, जब महिला और पुरुष की बराबरी की बात की जा रही है, ऐसे समय में आप वकालत की पढ़ाई करने वाले, कानून की पढ़ाई करने वाले, आप ऐसी बात बोलेंगे, इससे तो आपकी पूरी मर्दवादी पितृसत्तात्मक सोच सामने आती है। हम इस बात का खंडन करते हैं, पुरजोर खंडन करते हैं। ये बात मैं तो सीधा कहता हूँ, ये बात हमारे जम्मू की शान के खिलाफ है। इस तरीके से अगर कोई बोल रहा है, हमारे जम्मू के अगर कोई महिलाएं हैं और वो किसी जगह पर पहुंची और इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, ये तो गलत बात है, ये इस बात को हम नहीं मानते। तो ये जो इस केस को बाहर ले जाने की भी बात कही जा रही है, तो इस तरह से आपको लगता है कि हमारे यहाँ के कोर्ट्स जो हैं वो मतलब फैसला करने में इनकम्पिटेंट हैं? बाहर ली जा रही है, अगर बाहर ये केस अगर बाहर जाएगा तो उसके कुछ कारण दिए जाएंगे, ऐसे तो बाहर चला नहीं जाएगा, या अभी बाहर चला गया, अभी तो यहीं पर है, बाहर तो गया नहीं है अभी। जब बाहर जाएगा तो उसके कुछ कारण आएंगे, जब वो कारण आएंगे उन कारणों पर समीक्षा होगी, फिर वो कारण सामने आएंगे, फिर उसको फैसला लिया जाएगा। हम कैसे बोल सकते हैं ये केस बाहर जाए या ना जाए, एक जगह के हालात देखकर ही भेजा जाएगा तो बाहर भेजा जाएगा, हो सकता है ना भी भेजा जाए। ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला थोड़ी दे दिया है कि बाहर भेजो, अभी तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से मांगा है कि आप बताइए आपको क्या लगता है इस मामले में, तो अभी तो इस पर आगे बात चलेगी। और ये अभी बात कोर्ट के मतलब डोमेन में है, अभी ये कोई पॉलिटिकल लीडर ये तय नहीं कर सकता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दी जाएगी, तो कोर्ट ही तय करेगा। ठीक है, शुक्रिया।
तो ये थे ध्यान में रख करके इतनी गंभीर और घिनौनी घटना है। इस घटना के ऊपर हमें सबक लेने की बजाय हम दूसरे मुद्दों में उलझते जा रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है। गंभीरता से लेना चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान इस बात के लेकर के चिंतित था, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, बच्चों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार पूरे देश में हो रहा है। निर्भया का जो कांड दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद सरकारों ने सबक लिए, सरकारों ने कई प्रकार के लॉ में अमेंडमेंट की, कई प्रकार के प्रावधान ने डाले गए, कई प्रकार की जो सजाएं थी उसको बढ़ाने का काम किया गया और एक लॉ बनाया पूरे भारत की संसद ने, उसको पॉस्को कहते हैं। वो अगर छोटे बच्चे को अगर किसी कारण से धोखे के साथ उसके साथ किसी प्रकार का दुष्कर्म करने का कोई प्रयास करता है तो पॉस्को एक्ट उस पर लगता है। आज एक बड़े संत भी पॉस्को एक्ट के अंदर बंद है, पिछले 5 वर्षों से उनको जमानत मिलने का काम नहीं हो रहा है। दुर्भाग्य है कि हम जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा पूरी तरह नहीं है, इसलिए वो पॉस्को एक्ट जो है जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड नहीं किया गया था। आज इस मौके पर मैं छोटे बच्चों की तरफ से, पूरे नागरिक की तरफ से सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि वो पॉस्को एक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में भी लाया जाए। अगर वो जम्मू कश्मीर में पॉस्को एक्ट होता हो तो इस प्रकार के हमारे जो छोटे बच्चों के साथ इस प्रकार के जो कृत्य हो रहे हैं, ऐसे कृत्य पर बड़ी तेजी से उस पर चेक लगने की बात है। यहाँ तक इस मामले का इन्होंने जो कहा बिना देरी से फास्ट ट्रैक कोर्ट के सुनाई हो, तो साथियों फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है? यूनाइटेड नेशन में अमेंडमेंट की गई, जो यूएसए में अपने लोगों को एक अधिकार दिया गया और अधिकार में ये कहा गया कि जो मुजरिम होगा वो फास्ट ट्रैक की मांग करेगा, जिसके ऊपर कोई केस चल रहा होगा उसका फंडामेंटल राइट रहेगा, वो सरकार को कहेगा कि आप क्या कीजिए, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दीजिए। तो हमारे यहाँ संविधान में इस प्रकार का प्रावधान नहीं था। आर्टिकल 21 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, उस संविधान उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल को सुप्रीम कोर्ट ने लार्ज करते हुए इस प्रकार के प्रावधान को आर्टिकल 21 से राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी का जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी का जो क्लॉज है उसके साथ फास्ट ट्रैक भी जोड़ा गया है। तो ये फास्ट ट्रैक तो मुजरिम को भी मिल सकता है, इसलिए ये फास्ट ट्रैक में सुनवाई होनी चाहिए, जिससे दोनों पक्षों को फायदा होता है। ये बड़ी बात नहीं है, ये बात हाई सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी। इस सोशल मीडिया की वजह नाल सानू फायदा भी होया, तो जितना फायदा होया तो उतना नुकसान भी होया। साढ़े जिते हिंदुस्तान के अंदर जितने क्राइम होंगे सी, लेकिन प्रेस वाले कई बार नहीं दसते सी, तो सोशल मीडिया का सानू ये फायदा होया कि अज जो भी क्राइम हों सोशल मीडिया आता, तो फिर अगे जिसमें सर्कुलेट हों तो गोरमेंट की जीडिया अखा खुलद। पिछले दिनों के योगी सरकार का एक MLA जिसने जिस दिन नौकरी के झांसे के एक कुड़ी के नाल उसने रेप किया, उसके बाद उसका फादर उसके को गया, जाके उसने कहा कि भी इसन इंसाफ वास्ते गया, तो उसको उल्टा सलाखा के डकया गया, फिर उसनू कुट कुट के उसनू उसके अंदर मार दिता गया। कितनी बेशर्मी की गल है कि एक इंसाफ मंगण लई पुलिस को इंसान जाता है, तो पुलिस उस MLA दे प्रभाव थले उस बंदे का जिहड़ा कि वह मर्डर कर छड़दी है। कितनी बदकिस्मती की गल है। और ये जिहड़ा अज साडे हीरानगर दे विच जिहड़ा ये जिहड़ा भाणा वरत्या, ये शुरू तो ये कम चलता आया। तुसी देखिया कि निर्भया कांड होया, फिर हिमाचल दे विच शिमला दे कोल मेरे ख्याल है एक गुड़िया कांड होया, अज दी तुसी अखबार पढ़ो पंजाब दी शायद हरियाणा दे अंदर एक बच्ची जिहड़ी के हैंडीकैप बच्ची, उहदे पेरेंट्स घर नहीं आउंदे, उसनूं चुक के लै के घरों लै के गए, तो उत्थे जा के बाहर रेप करके तो फिर घर छड्ड दित्ता गया। अज साडी इंसानियत इतनी खत्म हो गई है कि सानू अपनी भैन अपना बच्चा जिहड़ा उह सानू पराया नज़र आ रहा है। और ये जी आसफा का जोड़ा मसला बनया, 8 साल की कितनी मासूम खूबसूरत बच्ची है, ये बच्ची के नाल इतनी जाति हुई कि इस
जिस तरह दसा गया कि उस रेप होया, उस तो बाद गला घोट के मारिया गया, फिर इसनों इसकी डेड बॉडी मिलती है तो उसके बाद इसनों जिहड़ा कि एक क्रिमिनल तरीके दे नाल इसनों डील किया जा रहा। मैनू समझ नहीं आती कि अज साडे हिंदुस्तान के अंदर अज असी विश्वास किस ते करिए। अज इस बच्ची दे नाल जिस तरह होया, अज एक हिंदू और मुस्लिम का मसला बना दिता गया। ये जिहड़ा सिर फिरे लोग, ऐसे जिहड़े शैतान लोग जिन्होंने ये कांड किया है, ये किसी कोई किसी इसका किसी का कोई धर्म नहीं होंदा, इसकी कोई जात नहीं होंदी, ये जिहड़ी गल है ये किसी नाल भी हो सकती है। जे अज असीं इहदे विच सियासत करना शुरू कर देंगे तो साडी बदकिस्मती है कि जिस देश की राखी लई वाड़ लगाई जाती है, अगर वाड़ ही खेत नूं खाणा शुरू कर देगी तो फिर इंसाफ कित्थे मिलेगा। सो अज ये जिहड़ा नो मोर आसिफा दा जिहड़ी कंपेन इन्होंने भाई साहब ने कुलवीर सिंह होर ने एक जन जागृति मंच बनाया और इन्होंने इस शुरुआत अज तो 2 महीने पहला ही की, लेकिन 2 महीना ये सोशल मीडिया के विच इन्होंने काफ़ी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और सैमीनार भी इन्होंने किए और मीटिंग भी करते रहे। एक बड़ा अच्छा एक स्टैप है, एक सानू एक जागृत करने की गल है, लेकिन गल यह है कि अज जिस तरह की अज साडा जिस तरह की इस आसिफा दे करके एक अंदोलन चलाया गया और अंदोलन के बीच ये राजनीतिकरण किया गया। अज साडे जिहड़े MLA जिहड़े मंत्री हैं उन्होंने हीरो बना के पेश किया गया। मैं मान लैंदा कि अगर चलो कि इंदे उपर झूठा केस बनिया जां उहदे विच कुछ लोग हैं जां कुछ नहीं हैं जां जबरदस्ती बनाए गए, अगर जिस वक्त लोग हुकूमत के विच कुर्सियां दे उपर उहदे उपर बैठे दे सी, उस वक्त साडे जिहड़े 20-25 MLA है वो जाके रौला पाते कैबिनेट के विच गल करते और अपनी चीफ मिनिस्टर नाल गल करते, तो कुछ मसला जिहड़ा कि अगर इन्हां दे अंदर कोई डोड़ सी तो वह हल किया जा सकता सी। जिस वक्त पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसले प्रभाव पिया, पूरे इस वर्ल्ड के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसले मीडिया या लोग जागे, तो उस वक्त इन्होंने 2 मंत्री जिहड़े सस्पेंड करते। मजा तद सी कि वह मंत्री जिहड़े कि पहले अगर बोलते तो उसले अगर वह अगर इनकुआरी होंगी तो अगर जिहड़े लोग चाहते कहते हैं कि बई इहदे नाल जाती हुई है, हो सकता कि उन्होंने कोई इंसाफ मिलता, लेकिन कटने के बाद फिर उसनों हिंदू वर्सिज मुस्लिम करके ये इस तरह करके मैनू लगता कि जिहड़ा आने वाला जिहड़ा समा है ये बहुत खतरनाक आ रहा है, क्योंकि साडा जिहड़ी साडी जिहड़ी स्टेट है ये ऑलरेडी डिस्टर्ब है। इत्थे कश्मीर के अंदर अगे कश्मीरी आज़ादी मंग रहे हैं। जे असी इस तरह दी गल्लां करांगे तो वह कहेंगे हाँ जी देखो साडे नाल जाति हो रही है तो साडी कितने सुनवाई नहीं है तो असी ठीक अपनी जिहड़ी कि लड़ाई असी लड़ रहे हैं। इस करके कि सानू अज अपने दिलों के अंदर अपने धर्म के विच रह के जे असी सिख हाँ तो सानू अपनी कम्यूनिटी के नाल दूसरी अदर कम्यूनिटी के नाल प्यार रखना चाहिए। सानू बैकग्राउंड पिछे भी सानू ना किसी अगर असी सिख हाँ तो असी ना किसी हिंदू के खिलाफ गल करिए ना मुस्लिम के खिलाफ करिए, तो जिहड़ा मुस्लिम है वह हिंदू के खिलाफ ना गल करे। एक सैकुलर मुल्क है, इस देश के अंदर हज़ारों लोगों ने हर धर्म के हर फिरके के लोग ने कुर्बानियां दे के इस देश को आज़ाद कराया। जे असी कहीए कि ये मेरा कल्ले का देश है तो फिर ये देश के अंदर फिर फिरका परस्ती तो फिर लड़ाइया तो अलावा कुछ नहीं दिसण वाला। सो साडा सानू इस मुद्दे ते जिहड़ा कि इस बच्ची दे नाल जिहड़ा होया, तो सानू सारयां नू एक जुट हो के बगैर किसी जात पात नसल रंग भेद दे सानू इस दे इंसाफ वास्ते सानू मंग करनी चाहिए है। हुण ते शायद मसला जिहड़ा है हुण कोर्ट दे अंदर चला गया है, हुण कोर्ट डिसाइड करेगी कि की करना है या की नहीं करना, तो सानू ये जिहड़ियां क्रिमिनल ताकतां ये सिर फिरे लोग इंदा डट के सानू मुकाबला करना चाहिए। जे भाणा जिहड़ा आसिफा दे पेरेंट्स दे नाल गुजरिया जां उस परिवार दे नाल गुजरिया, ये कल साडे घरां दे विच वी किसे नाल वी ये गुजर सकता है। सो इहदे वास्ते सानू सारयां नू सानू समाजिक तौर ते स्कूलों के अंदर कॉलेजों के अंदर और जिथे भी साडियां सोसाइटियां उत्थे इस बारे सानू जरूर सानू अवेयर होना चाहिए ताकि जिहड़ा कि मसला उन्हां उस परिवार दे नाल होया, आसिफा दे परिवार नाल होया, एक किसी होर दे नाल ना वापरे
और सानू सारे नू एक मुठ हो के इस जिहड़ी इस लड़ाई के खिलाफ जिहड़ी है आवाज उठानी चाहिए है। ये सांझी शहादत है और सांझी विरासत है। और एक कवि ने बड़ी सही गल आखी ही कि हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। तो इस करिए मैं इसमें सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कौमी एकता जिंदाबाद, फिरका प्रस्त ताकते मुर्दाबाद, फिरका प्रस्त ताकते मुर्दाबाद, आसिफा को इंसाफ दो, आसिफा को इंसाफ दो, धर्म के नाम पर आसिफा के मामले को गंदा करना बंद करो, धर्म के नाम पर आसिफा के मामले को गंदा करना बंद करो, धर्म के